गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके लिए हमने उसको नोबेल प्राइज दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहले आप समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। देखिए ध्यान से, ये आपके पास मेटल प्लेट है। क्या है ये? मेटल प्लेट। इस पे आपने सन रेज को आने दिया, हाई एनर्जी सन रेज, 1 2 3 4 5 6, तो ये सन रेज इस मेटल प्लेट पे गिर रही है, ठीक है। तो हर एक रेज एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। ये इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो हमने क्या करा कि इसको पूरे को एक तरह से आइसोलेटेड कर दिया, वैक्यूम टाइप, कि ये कहीं ना जा सके, ठीक है। सामने वाली प्लेट पे आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो जब ये यहाँ आएगा तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आउटर सर्किट में जो ये अटैच हो रहे हैं वहां पर क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो वो वोल्टेज जनरेट होगा तो वो एक तरह से आपके लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी जनरेट करेगा। कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने का साइन हो गया। तो ये बात उसने सबसे पहले यहाँ पर एक 0 वाट का बल्ब लगा के चालू करके बता दिया कि हाँ भाई, हम सनलाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन ये रहेगी, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट डायरेक्शन। लेकिन मैं अभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा हूँ, या सुनो। तो ये हमारे पास पॉइंट रहा। तो कुल मिला के इसके अंदर जब उसने ये बनाया डायग्राम, पूरा सिस्टम बनाया, तो क्या क्या चीजें बताई? सबसे पहले ये सनलाइट, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को उसने नाम दिया पहली बार फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन की वजह से निकल रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? आउटर सर्किट में जो करंट है, इसको करंट तो बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे फोटो करंट, क्योंकि फोटोन की वजह से जनरेट होता है, तो फोटो करंट। ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट आया। अब इससे की पॉइंट्स क्या जनरेट होते हैं? फर्स्ट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साउंड। की पॉइंट्स आप कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखिएगा, आवाज आ रही है अच्छे से? तो हम इसको कैसे यहां पर लिखेंगे? फर्स्ट, कि यहां पर जो चीज हो रही है, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी बाय विच इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड बाय मेटल प्लेट। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी उसने पहले बताया, जिसको आपने बाइंडिंग एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते थे, फिर किसी ने उसको वर्क फंक्शन बोला। क्या बोला? वर्क फंक्शन। किसी ने उसको बोला आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन। किसी ने कहा इसको सेपरेशन एनर्जी ले लेते हैं। सब अपना अपना नाम दे रहे थे, मैंने भी अपना नाम दे दिया, मैं इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलने लग गया। अब अपनी तरह से कोई सा भी नाम दे दीजिएगा। क्रिटिकल दे दो एक और नाम, क्रिटिकल एनर्जी। तो ये सारे नाम अलग नहीं है, सेम ही है, बाइंडिंग, वर्क फंक्शन, आयनाइजेशन, सेपरेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑल आर सेम थिंग्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डेफिनेशन क्या है भाई? इट शो द एनर्जी बाय विच इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड या एसोसिएटेड
विद मेटल प्लेट, विद मेटल प्लेट, विद मेटल प्लेट, पहली चीज क्लियर करो, क्लियर है, विद मेटल प्लेट। दूसरा पॉइंट, यानी ये वो एनर्जी है जिससे, आसान भाषा में हमारे पास ये चीज तो होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे लिए आएगा कि फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी। यानी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए फोटोन एनर्जी, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हो पाएगा और फिर पूरा इफेक्ट भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, चलिए बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो गई, ये बात तो तय है, तो फिर उस कंडीशन में क्या है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होगी, क्या होगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। तो अबाउ रिएक्शन इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, यानी इसका मतलब क्या है, ये हमारे इंडियन मैरिज, हिंदुओं की मैरिज के सिमिलर है, एक दूल्हा एक दुल्हन, एक दूल्हा के साथ दो दुल्हन नहीं हो सकती पक्का, और एक दुल्हन के दो दूल्हे नहीं हो सकते वैसे ही, यानी एक फोटोन के दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, एक फोटोन से दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, और दो फोटोन से भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, और फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से क्या होनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, ये हमारे पास है। तो कुल मिला के अगले कुछ पॉइंट हमारे पास फिर इंतजार कर रहे हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट, ये बात तो क्लियर हो गई कि वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, इसको ऐसे लिख लो, फोटोन एनर्जी हमेशा किससे ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी से। तो फोटोन एनर्जी अगर आपके पास यहां पर आता है, अगला पॉइंट हमारे पास रहेगा, ज्यादा है तो बची हुई एनर्जी, जो फोटोन एनर्जी ज्यादा है ये बात तो तय है, लेकिन जो बची हुई एनर्जी रह जाएगी वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि हमारे लिए द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ फोटोन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, नेक्स्ट लाइन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी को PE लिख रहा हूं मैं, और बाइंडिंग एनर्जी को मैं इस तरह से क्या बोलेंगे इसको, फाई बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी को शो करेगा। फोटोन एनर्जी PE और बाइंडिंग एनर्जी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ फोटोन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ये हमारे लिए हुआ फोर्थ नंबर का की पॉइंट। की पॉइंट्स अभी बहुत सारे बाकी हैं। फिफ्थ नंबर का की पॉइंट, अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी, मैं लिख रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझ में आ रहा है, और तीन फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलके क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हाँ या ना, नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया नहीं निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ एक समय में कोलिजन करता है, और अगर एनर्जी कम हो गई किसकी, फोटोन की, तो वो फोटोन टकराएगा इलेक्ट्रॉन से और वापस रिपेल हो जाएगा, यानी कि दूसरा उससे पहले टकराया, उससे पहले पहला वाला जा चुका होता है, तो एक साथ तीन फोटोन के
साइमल्टेनियसली कोलिजन के चांसेस टेंस टू 0% है। समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? फोटोन जिस स्पीड से कोलिजन करता है उसी स्पीड से वापस निकल भी जाता है, और ये लाइट की स्पीड से कोलिजन होता है, तो एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन पे तीन फोटोन टकराएं, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। सही है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो इलेक्ट्रॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन टकरा के दोनों को निकाल दे, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे? पॉसिबल नहीं है, एक को ही निकालेगा, क्यों? क्योंकि फोटोन इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसकी साइज ही मेजर नहीं की जा सकती, और वो इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन से तो टकराने की बात सोच ही नहीं सकते आप। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पॉइंट 7th, अगर हम बात करें करंट की, किसकी बात करें? करंट की, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल आएंगे आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, जिसको आप आई बोलते हो। तो करंट कहीं ना कहीं, सॉरी, इंटेंसिटी कैपिटल आई, यानी ये करंट तो है स्मॉल आई, और इंटेंसिटी वाला आई होता है कैपिटल आई के प्रोपोर्शनेट है। तो मोर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर करंट फ्लो। एक और पॉइंट हमारे पास यहां पर आ रहा है, 8 नंबर का पॉइंट, करंट यानी स्मॉल आई क्या एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा? नहीं, बस ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कितना ही ज्यादा हो निकालेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो नॉट रिलेटेड, इसको काट के आप कर दोगे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन आप किससे बताते हो? फ्रिक्वेंसी से। प्लांक कांस्टेंट आपने पढ़ा है, प्लांक थ्योरी आपने पढ़ा है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एच म्यू। तो क्या करंट एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है? नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है, हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। तो कितनी भी एक फोटोन की कितनी भी एनर्जी आ जाए वो दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ये हिंट हो गया आपके लिए, 8th 9th पॉइंट, ये तो बात आई करंट की, किसकी बात आ रही है? करंट की। कोई दिक्कत आ रही है करंट के लिए? करंट किस पे डिपेंड करता है? एक और वर्ड आता है, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम दे रखा है मैंने? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको मैं शो करूंगा वी से, वी नोट। ये वी नोट है क्या? भाई मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, मैंने एक और सर्किट बनाया इस तरफ अपने से, और यहां पर इसको मैंने नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। हो ये रहा है कि मैं नहीं चाहता मेरा पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगा दूंगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स क्या करेगा? रिपेल होने का लग जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। मान लो यहां चल रहा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो यहां रिपल्शन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उस वोल्टेज को क्या बोलोगे आप? 10 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, इट इज
द मिनिमम अप्लाइंग, मिनिमम अप्लाइंग वोल्टेज, अप्लाइंग वोल्टेज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर जस्ट स्टॉप द फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। समझ में आ रही है? तो क्या आप इसी पॉइंट्स को और लिख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको आप वी नोट से रिप्रेजेंट करोगे किसके प्रोपोर्शनल रहेगा बता सकते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी। तो म्यू बढ़ने के साथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ वी नोट की वैल्यू भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी? फोटोन एनर्जी बढ़ेगी, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। आप चाहो तो बीच में एक लाइन और ऐड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन एनर्जी बढ़ेगी, और फोटोन एनर्जी बढ़ेगी तो वी नोट की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपके पास पॉइंट्स हो गया। कौन से नंबर का पॉइंट्स हुआ आपके पास? नाइन्थ। टेंथ पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? नहीं, उसे मतलब ही नहीं है। यहां तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारे पास पॉइंट्स रहा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। ये 10 के 10 पॉइंट आपके काम आते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम हो। तो सनलाइट से अगर हमें काम करना है तो सनलाइट की तो एक एनर्जी से ज्यादा लाइट लिमिट हो नहीं सकती, तो हम क्या करें? हम फाई को कम कर देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कम करेगा? एक ऐसा मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली अटैच हो, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो। तो ऐसे कौन से मेटल है जिनके आयनाइजेशन एनर्जी कम है? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में भी कौन है? पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम। तो इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। यानी क्या रहेगा हमारे नंबर 10, 11 नंबर का पॉइंट? पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम हैव लो वैल्यू ऑफ, लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सो दिस मेटल्स कॉल्ड, दिस मेटल कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। ये हमारे पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे लिए जितने भी हैं इस फॉर्मूले बेस पे हो जाएंगे। हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा और हमारे को क्या देगा? फोटोन एनर्जी देगा, माइनस हम वर्क फंक्शन भी देगा, दोनों देगा। या
तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। तीन चीजें, तीन में से दो देगा एक पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक देके दो पूछ ले, बेवकूफी है। देखो मैं मान लेता हूं सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे बात कर रहे हो आप, तो यहां पर 10 से ज्यादा लगाऊंगा तब भी स्टॉप हो जाएगा 10 से, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? नो लगाऊंगा तो क्या स्टॉप हो पाएगा क्या? नहीं, तो क्या रहेगा मेरे लिए? मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल, जिसे रुक जाए, मिनिमम पॉसिबल। मैक्सिमम तो 1000 लगा दो तब भी रुकेगा, तो मिनिमम जिसे जस्ट स्टॉप हो जाए, तो वो वैल्यू क्या आएगी? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट नहीं है। तो दो पॉइंट और आपके पास बन रहे हैं, 13, 12 और 13, जो बात ही छेड़ रही है। तो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा 12 नंबर का। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? फोटोन एनर्जी माइनस फाई, और फोटोन एनर्जी को बोलोगे एच म्यू, फाई को बोलोगे एच म्यू नॉट। ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। एच कॉमन ले लो, म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू यहां पर क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और म्यू नॉट क्या है आपके पास यहां पर? म्यू नॉट आपके पास क्या रहेगा यहां पर? एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं आएगा यहां पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और म्यू नॉट आपके लिए क्या रहेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप, कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हो जो मैंने आपसे बताया, बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, क्रिटिकल, ये आपके पास है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, सी बाहर कॉमन ले लिया, तो लैम्डा नॉट, लैम्डा तो क्या हो जाएगा इस जगह? वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और लैम्डा नॉट आ जाएगा आपके पास क्रिटिकल वेवलेंथ। ये आपके पास आ जाएगा क्रिटिकल वेवलेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए म्यू नॉट से, एंड 1 अपॉन लैम्डा यानी कि लैम्डा की वैल्यू कम होनी चाहिए लैम्डा नॉट से। क्लियर है? किसके लिए? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये रहा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स। अगर आपसे कोई कहा जाता है कि इसके कर्व बनाइए, इंपॉर्टेंट कर्व बता दीजिए जो अपन कर सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कर्व हो सकते हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्योंकि हर जगह कर्व बना के हमने क्वेश्चन को और अच्छा बना दिया है, चैप्टर को और अच्छा बना देते हैं। 12, 13 इंपॉर्टेंट कर्व, इंपॉर्टेंट कर्व। आप ये बताइए, अगर मैंने किसके लिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ करंट यानी आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी, पक्का? तो ये बताइए, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत जीरो होगी तब करंट क्या होगा? जीरो। एक लिमिट के बाद ऐसे आ जाएगी, सीधी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन एक लिमिट से कम होगी तो करंट ही नहीं बहेगा। समझ में आया? ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इंटेंसिटी I1। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, अगला एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा कर I2 इंटेंसिटी पे, तो करंट भी ज्यादा होगा। तो ये I2,
तीसरी इंटेंसिटी, कैपिटल आई यहां पर क्या बता रहा है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी आई भी उतना ज्यादा होगा, करंट भी उतना ज्यादा होगा। तो कैपिटल आई जितना ज्यादा होगा स्मॉल आई भी उतना ही ज्यादा होगा, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। बोलो यस और नो, तो कुछ समझ में आया? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बस एक लिमिट से ज्यादा आनी चाहिए, उसके बाद सेम आई के लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। कैपिटल से कैपिटल सेम आई के लिए स्मॉल आई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। पक्का? इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये कितने कर्व हैं, एक या तीन? तीन कर्व हैं, अलग अलग करें, एक बार आई वन इंटेंसिटी पे, एक बार आई टू इंटेंसिटी पे, एक बार आई थ्री इंटेंसिटी। ये डॉटेड लाइन है, ये दिखती नहीं है, सीधा आपको यहां पॉइंट दिखेगा, आ रहा है? तीन अलग अलग कर्व हैं। एक और आप बना सकते हैं, और वो रहेगा इस जगह काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी जब तक म्यू की वैल्यू म्यू नॉट रहेगी तब तक तो क्या रहेगा, जीरो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी उसके बाद जो बनेगी वो आएगी आपके पास, क्या आएगी, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो ये कहीं ना कहीं इसको टच करेगी, और ये वैल्यू रहेगी आपके पास, पता है क्या रहेगी, एच म्यू नॉट। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में काम आ सकता है, म्यू नॉट यहां से मिल जाएगा, एच म्यू नॉट यहां से मिल जाएगा डिवाइड करते ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। बोलो क्लियर है? तो ये आपके पास दोनों इंपॉर्टेंट कर्व हैं, कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी ही अपने आप में स्टॉपिंग पोटेंशियल बताएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो ये दोनों कर्व भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे और भी बहुत सारे कर्व आप खुद से बना सकते हो, पैरामीटर मैंने आपको समझाई दिए।